हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे चावल के आटे का डोसा। बहुत ही क्रिस्पी बनता है और बहुत ही आसान तरीके से बन जाता है। आप इसको मूंगफली की चटनी या फिर सांभर के साथ ज़रूर खाएं, और आपको ये पसंद आता है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक बोल में आधा कप चावल का आटा ले लिया है, और एक तिहाई से कम मतलब 1/3 से कम मैंने रवा लिया है। ये ऑप्शनल है, आप ऐड भी कर सकते हैं और अवॉइड भी कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पे 4 कप पानी ऐड किया है, और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें कोई लम्प्स नहीं रहने चाहिए, ये बहुत ही वाटरी कंसिस्टेंसी में होना चाहिए। तो अब हम इसमें 1 टेबल स्पून जीरा, और मैं यहाँ पर चॉप्ड किया हुआ अनियन, हरी मिर्च, हरी धनिया, और उसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ा सा घिसा हुआ गाजर ऐड कर रही हूँ। बस मैं इतना ही ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी। तो अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देंगे, और फिर से हम अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। तो अभी हमें इसको लगभग 20 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रखना है। तो 20 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख दीजिए। तो 20 मिनट हो चुके हैं, तो मैं अब देख लेती हूँ इसको। तो देखिए, यहाँ पे जो चावल का आटा है, रवा है, वो बिल्कुल तली में बैठ गया था। तो हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और आप ध्यान रखिए, जब भी आप डोसा बनाने चले तो इसको पूरी तरीके से अच्छे से मिक्स कर लें, और इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो बिल्कुल ही वाटरली कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अब मैं डोसा बनाऊँगी, तो उसके लिए मैंने तवा रख दिया है, और इसको अच्छे से गर्म कर लेंगे। और जो चावल के आटे का बैटर है वो इस तरीके से डालते जाएंगे, और अब हम इसको थोड़ी देर पका लेंगे। तो आप मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको पका लीजिए, और थोड़ी देर पकने के बाद मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल ऐड कर रही हूँ, सेंटर में भी और किनारे पे भी आप ऑयल ऐड कर दें। और इसको अच्छे से पकने के बाद ही पलटें, क्योंकि जब अच्छे से पक जाएगा ना तो ये खुद ही तवा छोड़ देता है। तो अच्छे से इसको पका लें, और उसके बाद आप इसको एक प्लेट में सर्व कर लें। तो देखिए, बहुत ही क्रिस्पी बना था। आप इसको गरम गरम खाएंगे तो ये बहुत ही क्रिस्पी रहता है, और थोड़ी देर के बाद ये मुलायम हो सकता है। तो इसको गरम गरम ही सर्व करें। तो आप इसको सांभर के साथ भी खाइए। मैंने यहाँ पे सेजवान चटनी के साथ खाया है, बहुत ही टेस्टी लग रहा था। आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें।